कैथल में सर्वहित पार्टी की शहीदी दिवस पर जनसभा हुई, जिसमें सैकड़ों की हाजिरी थी। वक्ताओं ने सर्वहित पार्टी का निर्माण क्यों करना पड़ा और क्या भविष्य के एजेंडे रहेंगे, इस पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि सर्वहित पार्टी का मुख्य एजेंडा समाज से नशे को खत्म करना है। इसके लिए स्पेशल अभियान भी चलाए जाने हैं। आइए सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष जसवीर तंवर ने क्या कहा। जसवीर जी, आज सर्वहित पार्टी का क्या प्रोग्राम था, किस तरह से चला? देखिए, सर्वहित पार्टी ने एक अभियान चलाया हुआ है, पब्लिक एंड यूथ अवेयरनेस कैंपेन। पिछले एक महीने से हम 4-5 जिलों में जनसभाएं कर चुके हैं, तो ये भी वही उसी के तहत था। लेकिन आज 23 मार्च था, बलिदान दिवस था राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का, तो उसके तहत हमने इस अवेयरनेस कैंपेन को शहीदों से जोड़ा और उनके बारे में लोगों को जागरूक किया कि उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष इस देश को बनाने के लिए दिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए दिए। तो आज का एजेंडा सर्वहित पार्टी का यही था। वैसे सामान्य एजेंडा जो अवेयरनेस का है, एजुकेशन, स्वास्थ्य और मुख्य रूप से नशे को लेकर है, जो जैसे सभी राजनीतिक पार्टियां एक छुपे एजेंडे के तहत पूरे समाज को बर्बाद कर रही हैं और पंजाब की तरह हरियाणा को उड़ता हरियाणा बना रही हैं, जिसके हम विरोधी हैं और उसके लिए हम लगातार युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। जी, जैसे मान सकते हो कि जैसे और पार्टी है जो सत्ताधारी पार्टी है, वो पार्टियां वो अपना एजेंडा साफ कर रही हैं, लेकिन आप नशे के प्रति जो चल रहे हो, क्या उनसे टक्कर ले पाओगे? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि लोग सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं। नशे के खिलाफ कोई नहीं बोलता, चाहे पूरी तरह। हम पिछले कुछ दिन पहले फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में गए थे, तो वहाँ एक गांव में गए तो वहाँ के गांव के लोग बड़े हमारी बातों को सुनकर उत्साहित हुए और बोले। एक लड़का ये बोला कि हमें अच्छी तरह पता है, मेरे गांव में 11 लड़कियाँ स्मैक पीती हैं, लड़कियों को जानते हैं। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई ये सुन के कि जिस गांव में लड़कियां स्मैक पीने लगी उस फतेहाबाद सिरसा के इलाके में, तो ये धीरे धीरे हर जगह बिजनेस बढ़ाया जा रहा है। लेकिन चिंता है समाज को, लेकिन जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो नशे को कह देते हैं कि ये तो राजनीतिक मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है। लेकिन जबकि मैं कहता हूँ, समाज का कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं जो राजनीतिक नहीं है, क्योंकि सारे फैसले राजनीति को करने हैं। जिस चीज़ को बढ़ा सकती है बढ़ा सकती है, जिसको घटा सकती है वो घटा सकती है। तो हम इन मुद्दों को ताकत के साथ एजेंडा बनाएंगे। लोगों को लगता है इनसे वोट कटती हैं, लेकिन हम मानते हैं कि समाज आज भी हमेशा से ही ठीक और गलत की बात सुनता है। हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, एक बहुमत जुटाना पड़ेगा थोड़ा लोगों का। जब हमारे साथ लोग खड़े दिखेंगे तो मुझे लगता है आम जनता भी इन मुद्दों पर कहेगी। कोई नहीं चाहता अगले 20 साल बाद उसकी बेटी उसके सामने शराब पिए और सरकार ऐसी, कोई भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, ऐसे एजेंडे तय कर दे, ऐसे कानून बना दे कि ज़्यादा से अभी बना ही दिया गया। अभी आप पत्रकार बंधु जानते हैं ज़्यादा कि पिछले साल शायद हरियाणा सरकार ने जो राष्ट्रवाद की बात करती है, शराब पीने और बेचने की उम्र जो 21 साल थी उसे घटाकर 25 से 21 कर दी गया है। वो बेच भी सकता है 21 साल की उम्र में, पी भी सकता है। इसका मतलब उन्हें कस्टमर बेस बढ़ाना है कि जो 25 साल के ऊपर के लोग पीते थे वो 21 पे आएंगे। लाखों, भारत युवाओं का देश है तो यहाँ पर युवा ज़्यादा है, तो वो जो 25 से 21 का युवा जो कानूनन शराब नहीं पी सकता था उसे पीने की अनुमति दे दी। अब ये आगे की योजनाएं अभी धीरे धीरे आप समझेंगे, जितना मैंने इस पर स्टडी की है कि महिलाओं को कस्टमर बेस के रूप में देखा जा रहा है और उनको फिल्मों के माध्यम से और तरीके से अप्रत्यक्ष प्रचार से उनके बीच में शराब परोसी जा रही है। और वैसे नारा दिया जाता है हम नशे को हटाएंगे विधानसभा में, लेकिन एजेंडा और पॉलिसी बनाई जाती है कि अब की बार 92,000 करोड़ की बेचनी है, तो ये नहीं सोच पाते कि वहाँ पर इनाम घोषित करते हैं शराब छुड़ाने का और यहाँ पर 9200 करोड़ का टारगेट तय करते हैं, तो करना क्या चाहते हैं? सीधी सी बात है, नारे असरदार नहीं होते, पॉलिसी असरदार होती है। पॉलिसियाँ समाज को बर्बाद करने की है, हम उन पॉलिसियों के विरोधी हैं और ऐसी पॉलिसियाँ बनाना चाहते हैं जो समाज को बचाएं। इसीलिए सर्वहित पार्टी संघर्ष, आपकी पार्टी जो विकास कर रहा है, क्रांतिकारियों से मिलती जुलती है, बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि जैसे क्रांतिकारियों से संघर्ष, कैसे आप भी संघर्ष करोगे? देखिए, मैं आपको पर्सनल बता देना चाहता हूँ, जो हमारी राजनीतिक पार्टी किसी परिवार की नहीं है, किसी एक आदमी के ख्याल में आया कि उसने पार्टी बना ली, ऐसी पार्टी नहीं है। किसी आदमी को लगा कि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से निकाल दिया गया तब पार्टी बना ली, ना। यहाँ पर बहुत सोच समझ के बहुत से विद्वान लोगों ने बैठ के निर्णय किया और वो लोग इस राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हैं जो वैसे 15 साल से मेरे साथ, जो समाज के क्षेत्र में 15 साल से लगे हुए हैं। वो ये नहीं कि रातों रात फैसला हुआ है, अब हम 15 साल से जो समाज का काम कर रहे थे उसे राजनीतिक मूवमेंट देने का प्रयास करें, और सभी युवा वही हैं जो इस सारी चीज़ों से पीड़ित हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वही क्रांतिकारियों की विचारधारा वाली पार्टी हम खड़ी करेंगे। देखिए, अभी हमारा जो यूथ एंड अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, अभी एक महीने का चला था, हमारी जो 5 जनसभाएं योजना में थी वो जींद की अगली 2 तारीख को है, तो उसके बाद हम योजना बनाएंगे। अगली बैठक के बाद क्या अगला कैंपेन चलना है, मुझे लगता है गेहूं का सीजन आएगा उसको लेकर निर्णय किए जाएंगे। लेकिन हमारी पहले प्रथम चरण में जो 10 जिलों में जनसभाएं करने की थी, एक बार 10 जिलों में जाने के बाद फिर ही इस जो नशे के प्रति जागरूकता अभियान में किसी बड़े आंदोलन की तरफ बदलने का प्रयास करेंगे। देखिए, हर किसी का प्रयास रहता है, हमारा भी प्रयास रहेगा 2024 का हर चुनाव लड़ने का। वो अपने सामर्थ्य पर
निर्धारित करता हम कितना ताकत बढ़ा पाए हैं, जितना हमारा सामर्थ्य होगा। हम हर चुनाव, पिछले चुनाव में भी विधानसभा चुनाव में हमने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कोशिश थी 90 की 90 पर, हर बार प्रयास रहता, अब की बार भी प्रयास रहेगा, जितने लोग हमें मिलते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, ये इतना मानता हूँ पिछले 4-5 साल में हमारा जो साथियों का राजनैतिक अनुभव है, सोचने का दृष्टिकोण है और जुड़ने वाले साथियों का जो उम्मीदें थी हमारी, उससे ज़्यादा हम आगे बढ़े हैं, तो हमें लगता है हम अगले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हमारी पार्टी। देखिए अभी मैं कहता हूँ ये पहला कैंपेन है, अभी हमने सदस्यता अभियान भी नहीं चलाया पार्टी का, इसके बाद वो सारी चीज़ें आएंगी, उसमें सदस्यता अभियान हुआ, लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम, वो सारा किया जाएगा। अभी तो जो 15 साल से हमारे लोग साथ लोग जुड़े हैं उनको इकट्ठा करके हम हर जिले में ये बता रहे हैं कि राजनीतिक मूवमेंट हमने शुरू कर दिया, अभी शुरुआत है।